हेलो इंदौर, यू आर वाचिंग न्यूज़ टॉक ऑन इंदौर टॉक पावर्ड बाय बुलेटिन ऐप। आपका शहर, आपकी खबर। आज का न्यूज़ टॉक का ये एपिसोड स्पेशल है क्योंकि इसे हमने घर पे शूट किया है। कोरोना वायरस के कारण जो डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है उसमें पूरी इंदौर टॉक की टीम वर्क फ्रॉम होम कर रही है, और क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आप तक इंदौर से जुड़ी हर अपडेट्स पहुंचाते रहें, तो ये काम हम ज़रूर करेंगे पर अपने अपने घरों से। कोरोना वायरस के कारण जो डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है उसमें इंदौर प्रशासन ने पूरे शहर में लॉकडाउन घोषित कर दिया है, और इसलिए हम आप सभी से ये अपील करते हैं, बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। जब तक कि कुछ बहुत अर्जेंट या इमरजेंसी ना हो तब तक आप अपने घर पर ही रहिए। जिला कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव जी ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत इंदौर शहर में लॉकडाउन घोषित कर दिया है। जनता के बीच कई तरह के सवाल हैं कि लॉकडाउन क्या है, हम कहाँ जा सकते हैं, हम कहाँ नहीं जा सकते हैं, कौन सी जगहें खुली रहेंगी और कौन सी जगहों को खोलने पर है पाबंदी। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में। जनता में कई लोग ऐसे भी हैं जो इस लॉकडाउन को कर्फ्यू या फिर इमरजेंसी की तरह ले रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन कर्फ्यू या इमरजेंसी की तरह नहीं होता है, क्योंकि कर्फ्यू या इमरजेंसी में हर चीज़ पूर्ण रूप से बंद रहती है, पर लॉकडाउन के समय कुछ ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी और बाकी सब चीज़ों पे पाबंदी रहेगी। इस लॉकडाउन के दौरान जारी किए गए दिशा निर्देशों में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश के अनुसार जिला की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को अपनी जाँच करवाना अनिवार्य होगा, और यदि किसी भी व्यक्ति में COVID-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा। इसी के साथ अगर किसी व्यक्ति में सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसने अपना डिटेल्ड पता और कॉन्टैक्ट डिटेल्स चिकित्सा अधिकारी के साथ शेयर करना भी कंपलसरी है। आदेश के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय जैसे कि बिजली विभाग, पेयजल आपूर्ति विभाग, राशन दुकानें, आपदा प्रबंधन, नगर सैनिक या होमगार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अधिमान्य पत्रकार, डाक सेवाएं, बैंक सेवाएं जैसी सभी आवश्यक काम सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित हो सकेंगे, और ATM पूर्व की तरह ही संचालित किए जाएंगे। कई लोगों के मन में यह सवाल है, क्या लॉकडाउन के समय पेट्रोल पंप और हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं भी बंद कर दी जाएंगी? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन के समय कुछ ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जैसे कि फल सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी, सभी ग्रोसरी स्टोर्स खुले रहेंगे, हॉस्पिटल्स, पेट्रोल पंप, बैंक और ATM जैसी सुविधाएं आपको लॉकडाउन के समय भी उपलब्ध मिलेंगी। यदि हम बात करें कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर पाबंदी है या ऐसे कौन से काम हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहला है कि एक जगह पर 5 या 5 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते। आप अकारण यानी बिना किसी वजह अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। रेस्टोरेंट्स, पब्स, डिस्कोथेक्स, जिमनेशियम, फैक्ट्रीज और गोडाउन को खोलने पर मनाही है। इसी तरह दिशा निर्देशों में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उनका उल्लंघन करने वाले एवं फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इंदौर के लॉकडाउन को लेकर। हम जनता से अपील करेंगे कि वो इस लॉकडाउन का सम्मान करें, क्योंकि ये डिसीजन प्रशासन द्वारा हम सभी के हित में लिया गया है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें इंदौर टॉक, और साथ ही साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं बुलेटिन ऐप, जिस पर आपको मिलेंगी वीडियोस अबाउट लोकल हैपनिंग और आपके शहर से जुड़ी सब तरह की खबरें। आप बुलेटिन ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं Google Play Store पर से और पा सकते हैं आपके शहर से जुड़ी हर खबर आपके स्मार्टफोन पर।